वाइटल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। टीटागढ़ म्यूनिसिपालिटी के 1 से लेकर 23 नंबर वार्डों में हो रहे चुनाव को लेकर एक जनसभा बीटी रोड के करीब टीटागढ़ टाउन तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस जनसभा में शामिल होने के लिए टीटागढ़ म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 4 से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल भी अपने काफिले के साथ एक जलूस की शक्ल में पहुंचे। इस जलूस में हर्षोल्लास का समा देखने को मिला। जलूस की अगुवाई कर रहे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल ने मीडिया से बात करते हुए वोटरों से कहा कि वो टीटागढ़ म्यूनिसिपालिटी के तमाम टीएमसी उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब बनाए। हमारा यहाँ पर आज तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर जो है प्रोग्राम है, यहाँ पर है जो पात्रो भूमि और हमारे राज चक्रवर्ती यहाँ मौजूद रहेंगे और सोनी सोनी राय यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। टीएमसी के कर्मी हैं, क्या उम्मीद है जीतने की? जीतने के सब में खुशा है। अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हम लोग टीएमसी लीड कर रहे हैं हर 2300 के 2300 वार्ड में। अपने ओडियो से मैसेज देंगे यही कि आप लोग टीएमसी को भारी से भारी मदद से आप लोग जीता है। थोड़ा सा बताइए, ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसके समर्थन में हैं? ममता बनर्जी, हमारी 4 नंबर वार्ड के हमारे कंसलर हैं, हमारे भाई अरे जीत रहे हैं 100% में हम लोग जीतेंगे। इसमें ये 4 नंबर वार्ड के ये वोटर्स और अरमान मंडल रियाजुद्दीन की हिमायत में ये तमाम लोग आए हुए हैं। इस जनसभा में 1 से लेकर 23 नंबर वार्डों के टीएमसी उम्मीदवारों के अलावा बैरकपुर के एमएलए राज चक्रवर्ती और तृणमूल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सायोनी घोष भी वक्तव्य रखे। हमारे बीच उपस्थित है पश्चिम बंगाल राज्य तृणमूल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष सुश्री सायोनी घोष जी। हम टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक जोरदार ताली हमारे विधायक और हमारे प्रेसिडेंट के लिए। साथियों, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा 10-5 मिनट इतने थैंक यू। तो अब कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो बाहर से कोई और पार्टी आ जाएगा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे, विभेद सृष्टि करेंगे और बोलेंगे कि राम के नाम पे लड़ो, अल्लाह के नाम पे लड़ो, गुरु नानक के नाम पे लड़ो। ये बंगाल का कल्चर नहीं है। हम एक साथ रहना चाहते हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, हम सब प्रीति से रहना चाहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं और इसीलिए हमारी लड़ाई है। आज ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत जो एक वोट जीतने के लिए अपना दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, रविंद्रनाथ बन रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत जो पंजाब का इलेक्शन आ रहा है बोल के पगड़ी पहन रहे हैं? हमको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए नहीं, हमको सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। आज आप 8,000 करोड़ की हवाई जहाज खरीद रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं अमेरिका, कभी लंदन जा रहे हैं, लेकिन आपके मसनद दिल्ली से जो 300 किलोमीटर की दूरी पे किसान बैठे थे 2 साल से ऊपर, उनसे मिलने तो आप कभी नहीं गए। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। और जब 700 किसान मर गए
तब आपने क्या बोला कि मेरे लिए थोड़ी मरा है, मैंने जाके थोड़ी मारा है, यही बोला आपने, तो फर्क दिखता है। और जब आपने देखा कि पंजाब का इलेक्शन आ गया, अब तो मैं हारने वाला हूँ, तो आपने क्या बोला, चलो ये फार्मर्स नहीं चाहिए, काले कानून हटाओ। है ना, वोट के पंछी वो वोट के पहले आते हैं और आके आपके हर घर में दस्तक देते और बोलते कि मैं हूँ, सुनार बंगाल बनाएंगे दीदी, ओ दीदी। अब की बार 200 पार, उनका तो 200 पार नहीं हुआ, लेकिन बंगाल की माँ और उनकी माटी और बंगाल के जो सारे लोग हैं बहन के, उनके समर्थन से ममता बनर्जी का 200 पार हो गया और उनका तरी पार हो गया भाई। और इसीलिए बोलते हैं कि मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है।